पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए नवंबर 2016 में नोटबंदी की थी। तब बताया गया था कि ये उपाय काले धन पर रोक लगाने में कारगर साबित होंगे। हालांकि आंकड़ों पर गौर करें तो नोटबंदी इस मामले में बेअसर साबित हुई। काले धन के लिए स्वर्ग माने जाने वाले स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का डिपॉजिट पिछले साल रिकॉर्ड तेजी से बढ़ा और 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक के सालाना रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। पीटीआई के अनुसार एक खबर के अनुसार स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने गुरुवार को सालाना रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2021 में स्विस बैंक में भारतीय नागरिकों और कंपनियों का डिपॉजिट बढ़कर 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि 30,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। ये इससे एक साल पहले यानी 2020 के अंत में महज 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि करीब 20,700 करोड़ रुपए था। इसका मतलब हुआ कि पिछले साल स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा करीब 50% बढ़ गया। आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंक में भारतीय लोगों के सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट में जमा राशि करीब 4,800 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। ये साल 7 साल का सबसे उच्च स्तर बताया जा रहा है। लगातार 2 साल इसमें गिरावट आने के बाद 2021 में तेजी देखने को मिली। भारतीय लोग और कंपनियां कई माध्यमों से स्विस बैंकों में पैसे जमा करते हैं। इसमें कस्टमर डिपॉजिट, बैंक ट्रस्ट, सिक्योरिटी जैसे माध्यम प्रमुख है। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने बताया है कि भारतीय लोग स्विस बैंकों में सबसे ज्यादा बॉन्ड सिक्योरिटी और दूसरे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के जरिए पैसे जमा कराते हैं। इन तरीकों से स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा बढ़कर 2002 मिलियन स्विस फ्रैंक हो गया है, जो अंत 2020 के अंत में 1665 मिलियन स्विस फ्रैंक था। इससे पहले साल 2006 में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा पीक पर था और तब इसका आंकड़ा करीब 6.5 बिलियन स्विस फ्रैंक था। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है महेश जी आपका। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि इकोनॉमिस्ट है, आपका भी बहुत स्वागत है यामिनी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत महेश जी आपके साथ करते हैं। सर 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो ये उम्मीद जताई थी और सरकार की तरफ से ही कहा गया था, देखिए काले धन पर लगाम लगाने के लिए हमने नोटबंदी की है, बाहर जो पैसा था वो अब दोबारा जमा नहीं होगा, तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, लेकिन नतीजा क्या रहा सर? सर की आवाज नहीं पहुंच पा रही महेश जी। हेलो, जी 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 रखिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूँ नेहा जी, नतीजा अच्छा रहा, इसमें डिपॉजिट बढ़े, बैंकों के डिपॉजिट बढ़े, एक जो आप कह लीजिए कि कमोबेश जो कैश का ट्रांजैक्शन होता था जिससे कर चोरी बढ़ती थी, देश का नुकसान होता था, एक महान अर्थशास्त्री जो है 14 लाख करोड़ से ऊपर जो है बजट कभी पेश नहीं हुआ, महान अर्थशास्त्री के प्रधानमंत्री होते हुए भी वो देश जो है कोरोना काल और जैसे अभी जैसे आप देख रही हैं युद्ध भी चल रहा है यूक्रेन और रूस का और उसमें जिस तरह की कठिनाइयां हैं उसके बावजूद भी देश जो है आज 40 लाख करोड़ का अगर कहीं बजट दे पाया है तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारे उस ट्रांजेक्ट जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है कुछ हद तक जो हमने रेगुलेट किया या डिमोनेटाइजेशन से किया या वो GST से किया या जो भी हमने सुधार जो है सुधार के लिए जो हमने कानून बनाया 2015 में विदेशी जो विदेश में जो धन थे उन 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 धन को जो किस तरह से हम देश में लाएं और उसके ऊपर किस तरह से हम कार्रवाई करें। और अभी हाल में ही आपको बताऊं कि 21 दिसंबर 2021 की मैं बात कर रहा हूं, अभी से 6 महीने पहले की बात, देश के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने स्पष्टता के साथ ये बात भी बताई देश को एक सवाल के जवाब में कि लगभग 28,000 करोड़ रुपया जो है वो स्विस बैंक में है और उसके ऊपर जो है कार्रवाई भी
किस तरह से हमने करी है नए कानून के तहत जो 2015 और उसके वजह से जो है काले धन के लिए भारत सरकार जाने वाले स्विट्जरलैंड की बैंकों में भारतीयों का डिपॉजिट पिछले साल रिकॉर्ड तेजी से बढ़ा है, 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया, ये क्या बताता है महेश जी? देखिए, कानून बनाना सरकार का काम है, उसको अमल में लाना सरकार का काम है, कर चोरी करने वालों को पकड़ना वो सरकार का काम है। अभी तक ये नहीं होता था 2015 से। नेहा जी बताइए कि इस तरह की जो कार्रवाई वर्तमान सरकार ने की है, अगर कोई आंकड़े हैं तो बताया, कोई बताए, रख के सामने रख के बात करे कि हाँ जी हमारे और आप में ये अंतर है। नहीं नहीं, अब सवाल ये है ना सर, नोटबंदी का क्या असर हुआ? नोटबंदी का स्वाभाविक रूप से जो मैं आपको बताया कि कम से कम 18-19% डिपॉजिट जो है बैंकों के बढ़े। आज हमारे आपके घरों में जो पैसे पड़े रहते थे वो सेविंग में पड़े हुए हैं, तो कम से कम उस पे इंटरेस्ट मिल रहे हैं। आज जो ये CRR की वजह से जो है बैंक को पैसा उठाना पड़ता था RBI को से, तो वो पैसा उसके उसके बैंक में पड़ा हुआ है, उससे RBI से लेने की जरूरत नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से कि इस तरह की चीजों से इतना फायदा सर आपको नोटबंदी का नजर आ रहा है, कुलभूषण त्रिपाठी जी आपको भी नजर आ रहा है क्या? क्योंकि जो ठीक है स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है वो तो ये बताता है कि भारतीयों का पैसा सबसे ज्यादा यहीं पे जमा हो रहा है। देखिए, जमा होना सरकार है, इनके सभी काम तुगलकी फरमान की तरह साबित हुए। नोटबंदी जैसी एक बड़ी भूल की थी भारत के प्रधानमंत्री ने 2016 में, जिससे आज तक छोटे व्यापारी और कारोबारी, आपको हंसी आएगी महेश जी क्योंकि आप पे फर्क नहीं पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का धन लगातार बढ़ रहा है और आपके जो हमारे दो की सरकार है उनकी भी पूंजी बहुत बढ़ रही है, आपको हंसी आएगी। लेकिन उस आम आदमी से पूछिए, उस छोटे कारोबारी से पूछिए जिसकी हमारी अर्थव्यवस्था खराब कर दी आपने। प्रधानमंत्री जी आज कहीं भी नोटबंदी की बरसी और सालगिरह की बात भी नहीं करते हैं, बुरा सपना मान के भूल चुके हैं। आप भी कब तक उसकी वकालत करते रहेंगे समझ में नहीं आता। आजकल जैसे आप अग्निपथ अग्निवीर की कर रहे हैं, नोटबंदी की भी आप कर रहे थे। नोटबंदी से पूरी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा, 50 दिन हमें दे दो फिर काला धन कहीं मिल जाए, ले पे ले आना, क्या क्या कर देना। आप सुनिए थोड़ी देर महेश जी, आपको बड़ी शांति से सुन रहा था, महेश जी आपको बड़ी शांति सुन रहा था, थोड़ी देर सुनने की आदत डालिए, थोड़ी देर शांत रहिए। ठीक है 50 दिन में ऐसा हो जाएगा, 50 दिन में वो हो जाएगा, नहीं तो चौराहे पे पकड़ लाना। काला धन खत्म हो गया है, आतंकवादियों के पास पैसे के धन की समाप्ति हो गई है, बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन आज नेहा जी पूरा देश देख रहा है, सब लोग जान रहे हैं। मैं एक और प्रश्न यहीं से जोड़ता हूँ, 2000 का एक नया नोट प्रधानमंत्री जी ने जारी किया था, तमाम चिप हैं, ये हैं, ऐसा है। मैं आज प्रचलन में कहीं भी 2000 के नोट को नहीं पाता हूँ। देश की पूरी जनता ये बात जानती है कि 2000 का नोट कहीं प्रचलन में नहीं है, उसको ब्लैक मनी में यूज करने के लिए और आसान है, बहुत आसानी से एक गड्डी में 2 लाख रुपए हो जाते हैं। आपने जो व्यवस्था बनाई नोटबंदी के नाम पर वो चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद लोगों को काला धन बढ़ाने के लिए, और उसी का परिणाम है कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सबसे ज्यादा काला धन आज स्विस बैंक में भारतीयों का जमा हो चुका है। लेकिन आप इसे स्वीकारेंगे नहीं, आप बार बार इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से महेश जी लगते रहते हैं। देखिए, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने नोटबंदी की, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप तमाम योजनाएं चलाते हैं, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही आप अपनी सरकार चला रहे हैं, इस तरह के आरोप क्यों आप लोगों पे लगते रहते हैं सर? और नोटबंदी का तो खैर फायदा क्या हुआ है ये तो रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं बता रही है। नेहा जी, इस तरह से मनगढ़ंत और इस तरह से ये दहशत फैलाने के ये जो विचार लेकर आते हैं लोग, एक तरह से कांग्रेस जो है इस देश में दहशत गर्द जैसे काम कर रही है, जैसे आतंकवादी होते हैं उस तरह से आतंक पैदा करके राजनीति करने का जो नहीं, आप आतंकवादियों की तुलना कांग्रेसियों से करेंगे क्या? स्वाभाविक है, अब कैसे हम करें इनका, अगर ये कोई अगर आवाज उठाए सरकार की कार्यप्रणाली पर या फिर सरकार ने जो भी काम किया उस पर तो आतंकवादी हो गए वो। स्वाभाविक, आप मुझे ये बताइए ना कि 2000 नोट को ये गैर कानूनी बता देना, ये कह देना कि वो काला धन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की दिक्कत है और पूरी भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है कि न इनको बोलने की कमी है, न इनको बात करनी आती है, आतंकवादियों से तुलना करने लगेंगे कांग्रेस की। क्या भाषा है और क्या तरीका है,
शर्म तो इनको बिल्कुल आती नहीं है। आपके पास बोलने के लिए कोई आंकड़े और तथ्य है नहीं। आपको कोई भी ऐसा आंकड़ा आप नहीं दे सकते कि नोटबंदी से किसको क्या फायदा सवाल तो इसलिए महेश जी खड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि रिपोर्ट सामने जो आई है वो खुद ये बता रही है, जो आंकड़े सामने आएंगे स्विस बैंक में भारतीय लोगों की जो सेविंग है और डिपॉजिट है वो अकाउंट में सबसे ज्यादा जमा हुआ है, 14 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये आंकड़े ये बताते हैं कि सरकार की तरफ से भले ही नोटबंदी की गई हो, लेकिन जिस बात का जिक्र अभी त्रिपाठी जी कर रहे थे कि चंद लोगों को भले ही उससे फायदा पहुंचा हो, लेकिन देश को फायदा पहुंचा क्या? सबसे पहली बात तो ये नेहा जी, मैं आपसे कहूंगा कि इस देश में 2015 से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था डबल टैक्सेशन का। इन लोगों ने, इनके महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और जो जेल याफ्ता जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदंबरम जी, उनकी कारगुजारियों का नतीजा था कि 2015 से कोई भी आदमी जो है टैक्स हेवन का मजा लेते हुए स्विस बैंक में पैसा जमा कराता था। 2015 के बाद ऐसा कोई भी जमा नहीं करा रहा है, इसीलिए इतना ज्यादा डिपॉजिट बढ़ गया है। कानून के तहत कोई भी जाके जमा कराते थे, आज जमा नहीं कराते, इसीलिए ऑल टाइम हिट डिपॉजिट है। 3-10 साल की सजा का जो है उसमें रखा गया और उसके तहत 934 केस आज तक। नहीं, ऐसा 3-10 साल की सजा तो कब मिलेगी ना, जब ये तय होगा कि किसने अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं, उनकी लिस्ट कब जारी होगी? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप 934 लोगों का एक आप देखिए ना, 21 दिसंबर 2021 को, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 6 महीने पहले की बात मैं कर रहा हूँ। आप पंकज चौधरी जी हमारे जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्टता के साथ स्विस बैंक में क्या जमा हुआ, क्या कार्रवाई हुई, किन लोगों ने क्या क्या किया, किन किन लोगों के ऊपर कार्रवाई करके भारत सरकार ने कितने पैसे उनसे वसूले, किनको जेल भेजा, किनको पकड़ा, किनके ऊपर केस किया उस 2015 जो कानून के तहत, ये सब चीज उसमें वर्णित है। अगर आप मुझे समय दे तो मैं एक एक चीज आपके चैनल के आगे बताता चला जाऊंगा। नहीं, अब ये बात जो, नहीं बनेगी। बात यह है कि जो चिंता है आपकी नेहा जी, जो चिंता है आपकी, और निश्चित रूप से ये चिंतनीय बात है कि अगर इस तरह से कानून होने के बावजूद भी अगर लोग दुस्साहस कर रहे हैं तो सरकार को सतर्क रहना चाहिए और त्वरित गति से इस पे कार्रवाई भी करना चाहिए हमें। लेकिन सरकार सतर्क नहीं रही ना, सरकार सतर्क नहीं रही इसलिए ऐसा हुआ कि अब जो देखा जा रहा है वो पहले के मुकाबले ज्यादा काला धन जमा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये कहां पे कमियां, कहां पे है सर? नहीं नहीं, सुनिए, काला धन का मतलब ये नहीं है कि सरकार की कहीं विफलता या सरकार की नेग्लिजेंसी। सवाल ये है कि अगर आप कोई चोरी करते हो, आप कोई गलत अपराध करते हो और आपके अंदर भय नहीं है कानून का, तो निश्चित रूप से उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए, उसके लिए एक माहौल बनाना चाहिए, उसके लिए निश्चित तौर पर सरकार देश के नहीं, तो ये कौन करेगा सर? ये कौन करेगा? यामिनी जी, नोटबंदी जब की गई थी तो ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि देखिए काला धन वापस आएगा, अब काला धन देश से बाहर नहीं जाएगा या देश में ही रहेगा, तमाम तरह की बातें, बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन क्या लगता है कि उसका फायदा हुआ है? जो स्विस बैंक की रिपोर्ट निकल के सामने आई है वो क्या बताती है? एक सेकंड। देखिए, जब आप कहते हैं कि लोगों ने अपना पैसा बाहर रखा, पैसा बाहर रखने का मुख्य तौर पे कारण यही रहता है कि लोगों को ये विश्वास नहीं है कि कल को जो है उन्हें अगर पैसे की जरूरत होगी तो वो पैसा उन्हें मिल जाएगा। और ये जरूरत तब आती है जब ऐसा हो सकता है कि उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो जाए। बाहर देश में पैसा मुख्य तौर पे इसीलिए रखा जाता है कि अगर कल को यहाँ पे कोई कार्रवाई हो गई, उनके बैंक अकाउंट सीज हो गए या फिर उनको जो है ईडी वगैरह ने पकड़ लिया, तो वो किसी तरीके से पैसा ट्रांसफर करके उसे रख ले। अगर आप देखें, बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी एक्ट के आते ही काफी कंपनीज पर ये एक गाज गिरी है कि वो जो है कल को कभी भी एनसीएलटी में जा सकते हैं और उनके असेट्स जो उनके प्रमोटर्स के हैं और सबके हैं वो रीस्ट्रक्चरिंग में जा सकते हैं। एक और चीज जो मानी जाती है कि रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट हो गई हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से और चीजों की वजह से। अब लोगों के पास खाते हैं कि वो किस चीज में वो कहाँ पे निवेश कर रहे हैं, कितना निवेश कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, खासतौर पे एक्सपेंडिचर्स को लेकर के या कहाँ से पैसा आ रहा है उसको लेकर के। तो उससे भी उनमें एक डर बैठ गया है कि कल को अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो वो कहाँ जाएंगे और किस तरीके से पैसा निकालेंगे अगर बैंकों में
एक ही झटके में उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। तो ये कहना कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना घातक है यामिनी जी? जी देखिए, इसको रोकना तो बहुत जरूरी है, और ये कहना कि ये अर्थव्यवस्था के लिए घातक नहीं होगा वो तो गलत होगा। ये बहुत ही घातक है, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने देश का पैसा बाहर देशों में पहुंचा रहा है, उससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी हानि पहुंचती है। पर वो ऐसे ही लोग होंगे जो ये समझते हैं कि वो किसी तरीके से जो रेगुलेशन है उसको अवॉइड कर सके और उससे दूर हो सके। कोशिश ये की गई थी डीमोनेटाइजेशन के भी माध्यम से कि जितना कैश है, जितना लोगों ने कैश रखा हुआ है, वो उसको जो है बैंकों में लाया जा सके, और या फिर लोग डिक्लेयर करें और इनकम टैक्स भर के या किसी तरीके से उस काले धन को लाया जाए। पर माना जाता है कि कैश की जो संख्या है वो कम होती है, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, या बाहरी देशों में प्रॉपर्टीज में लोग ऐसी जगह निवेश कर देते हैं जिसका सरकार को पता नहीं चलता, तो वो एक ट्रैप में नहीं आया। इसके लिए जरूरी ये है कि एक व्यक्ति की आय सरकार को पता हो, और उसके लिए सरकार ने काफी ठोस कदम उठाए हैं। देखिए, सबसे कठोर कदम तो उठाए गए, लेकिन उसका नतीजा धरातल पर बहुत बेहतर दिखाई नहीं दे रहा, क्या वजह इसके पीछे आप समझते हैं? यामिनी जी ने नहीं कहा, मैंने नहीं सुना। मैंने तो आपसे स्पष्ट किया कि भाई 934 ऐसे जो कार्रवाई है वो भारत सरकार ने किया, और इसकी पूरा जो है जानकारी जो है वो संसद में वित्त राज्य मंत्री ने दिया। अब उस 6 महीने के अंदर और क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी मेरे पास निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन अब आप कह रही हैं, जब वित्त राज्य मंत्री जी ने कहा उस समय उन्होंने बताया कि 26,000 करोड़ है, अब आज आप कह रही हैं कि वो 30,000 करोड़ है, 4,000 करोड़ बढ़ा। निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचारी हैं, जो देश के इस तरह से कर चोरी करने का, या एक जो उनको आदत पड़ी हुई है, या कह लीजिए कि वो कभी उनके अंदर वो अभी डर भय नहीं है, निश्चित रूप से वो डर भय और कानूनी कार्रवाई जो है उसमें तेजी लाने का प्रयास, मतलब देश में भ्रष्टाचार बढ़ा करना चाहिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। जब स्विस बैंक में पैसा बढ़ा तो देश में भ्रष्टाचार बढ़ा। ये कहना कि काला धन जो है तो ऐसे धन की डिपॉजिट से भ्रष्टाचार बढ़ता है, जरूरी नहीं है। अभी आपने कहा ना कि भ्रष्टाचारियों में डर नहीं है, खौफ नहीं है, तो भ्रष्टाचारी सर भ्रष्टाचार करते हैं। माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार का मामला आप राहुल गांधी जी वाला कह सकते हैं कि भ्रष्ट तरीके से कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना, यहाँ कर चोरी करना, टैक्स एविजन जो है यहाँ हो रहा है, कर चोरी जो है वो भ्रष्टाचार को वो हम एकदम से रेखांकित नहीं कर सकते हैं, उसको उससे नहीं जोड़ सकते। क्राइम हो रहा है, करप्शन का, नहीं करप्शन का मामला ही अलग है। वो करप्शन किस तरह से हुआ, किस तरह से वो पैसे अर्जित किए गए, हो सकता है कि वो पैसा उसके अपने खुद की कमाई को उसने उठा के, जैसे अभी यामिनी जी ने कहा कि भाई हमारे पैसे जब्त ना हो जाए, कल को किसी चीज में हम पकड़े जाए, इस तरह से उन लोगों ने एक अपना व्यवस्था रखा। चोरी ना हो सर, उसके लिए तमाम कदम उठाए गए, ट्रांसपेरेंसी हो इसके लिए कोशिशें की गई, लेकिन इतनी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आ पाई, वही मेरा एक आपसे सवाल है जो मैं आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ कि सर क्यों धरातल पर वो चीज दिखाई नहीं दे। इससे नेहा जी, मैं फिर से आपसे एक निवेदन करूंगा, आप 2015 से पहले का आंकड़ा उठाइए, यामिनी जी से पूछिए, वो अर्थशास्त्री हैं और आप भी काफी जीनियस एंकर हैं, आप चीजों को समझती हैं। मेरा सिर्फ ये निवेदन है और आपके दर्शकों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि 2015 के बाद जो कार्रवाई हुई है इसमें, और एक ऐतिहासिक कार्रवाई हुई है। नहीं सर, आप नहीं देखे इसमें पैसे, आप 2015 या 2014 से पहले का हम क्यों देखे सर? पूर्ण बहुमत के साथ जब मोदी सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आपको जिताया, और यही कह के सत्ता में आप आए कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, स्विस बैंक में जो काला पैसा है वो देश में वापस आएगा। उसके बाद आज ये स्थिति है कि पहले के मुकाबले इतना बढ़ रहा है, तो फिर आप ये कहते हैं कि 2014 से पहले की स्थिति देखिए सर, क्यों देखें? नेहा जी, आप फिर मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। हम एक एग्जांपल आपको, एक उदाहरण देके मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीन लीजिए, आपका बचाव हो जाएगा, उसमें से 100 लोगों में से अगर 2 लोग का बचाव नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 98 जो है लोग जो वैक्सीन लिए उनके ऊपर भी हम डाउट करें।
कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे अभी भी नहीं नहीं ये एग्जांपल यहाँ से टिक नहीं बैठ रहा। नहीं नहीं ये एग्जांपल आपका यहाँ से टिक नहीं बैठ रहा है। नहीं सर नहीं बैठ रहा। आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं 100 लोगों को वैक्सीन दे दी गई, 2 को नहीं असर किया, नहीं क्या ये कोई तरीका नहीं है ना इस पे इस तरह से बोलने का? ये इस पे नहीं बैठता सर। कानून के पालन करने वाले फेल हुए हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। क्यों डर आप लोगों का नहीं है? आप इतनी ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, आप हर चीज की बात करते हैं। मुझे ये बताओ ना सरकार क्या करे? किसी को गोली से उड़ा दे क्या? क्या करे सरकार? त्रिपाठी जी बताइए क्या करे सरकार? आवाज तो आप लोग उठाते हैं, सवाल आप लोग उठाते हैं, क्या करे सरकार? क्या किया था आप लोगों ने? सरकार ने, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार क्या करे, बेहतर हम काम कर रहे हैं। इसके बदले में हमें असमंजस में डूबी हुई है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को आपने पटरी से उतार दिया है। अपने तुगलकी फरमानों पर काम करते आप जो भी काम करते हो वो किसी और को समझ में नहीं आता है। फिर आपको लगता है सरकार क्या करे? किसानों के बिल आप बनाते हो, किसानों को नहीं समझ में आते हैं। नोटबंदी जीएसटी अर्थशास्त्री और व्यापारियों को नहीं समझ में आती है। आप आज अग्निवीर लाए हो जो युवाओं को नहीं समझ में आ रहा है। आप ऐसे क्या करे सरकार? त्रिपाठी जी क्या किया, क्या नहीं किया उसको छोड़ दीजिए। आप सवाल ही उठाएंगे या उसका समाधान बताएंगे विपक्ष होने के नाते? समाधान बताइए ना। नेहा जी समाधान बता रहा हूँ कि सरकार को सिलेक्टिव कार्यवाही बंद करनी चाहिए, कानूनों का दुरुपयोग रोकना चाहिए, नोटबंदी जैसे और ऐसे तुगलकी काम नहीं करने चाहिए। आपको अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, रास्ते पे लाने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी बंद करनी चाहिए। आज देश में बैंक रेट और रेपो रेट का जो इतना बड़ा अंतर है वो क्यों है? यामिनी जी समझ रही होंगी कि आप मुद्रा स्फीति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपने आरआर आज इतना ज्यादा बढ़ा रखा है, सारे आंकड़े आपके गड़बड़ हैं। फॉरेक्स आपका घटता चला जा रहा है। नहीं नहीं ये तो फिर आप पॉलिटिकल इसको उलझा रहे हैं, इसको पॉलिटिकल उलझा रहे हैं। मैं समस्या के समाधान की बात करूं विपक्ष होने के नाते, आप बताइए कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या विपक्ष सोचता है? आप पॉलिटिकल खेलने की कोशिश कर रहे हैं उसको। नहीं यामिनी जी अब सवाल मेरा आपसे ये है, क्या नोटबंदी पूरी तरह से बेअसर हुई? पहली बात। और दूसरी बात ये कि अब ठीक है अगर लोगों में डर और खौफ नाम की चीज नहीं है कानून बन जाने के बाद भी, तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए यामिनी जी? जी देखिए, पहली बात तो नोटबंदी ये कहना बिल्कुल बेअसर हुई वो शायद सही नहीं है। उससे एक सरकार की जो इंटेंशन थी कि वो काले धन के बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है और उसे खत्म करना चाहती है, वो पूरी तरीके से सबके सामने आई और लोगों का विश्वास जगा कि ये सरकार कुछ ठोस कदम उठा सकती है काले धन को लेकर के, जो एक बहुत जरूरी था अर्थव्यवस्था में एक विश्वास दिलाना कि वो सरकार उनके लिए काम कर रही है। जी, जी। दूसरी बात, अगर आप नोटबंदी में भी देखें तो काफी हद तक चीजें नजर आई, पर क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे हुआ कि बैंकों के द्वारा, पेट्रोल पंप के द्वारा और जगहों के द्वारा वो पूरी तरीके से जो है रेगुलेट नहीं हो पाई और उसका असर हमें उतना नहीं दिखा। अगर आप कहें कि सरकार को क्या करना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि सरकार लोगों में पूरी तरीके से विश्वास दिलाए कि अगर वो कोई गलत काम नहीं करेंगे तो सरकार उन्हें नहीं पकड़ेगी, और अगर वो सही है तो उन्हें न्याय प्रणाली से न्याय मिलेगा। ये बहुत जरूरी है कि विश्वास जगाने की जरूरत है यहाँ पर, और सरकार को चाहिए कि लोगों में विश्वास जगाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।